नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस समय पदोन्नति प्रक्रिया प्रोसेस में है और कहा जा रहा है कि जो अंतर जनपदीय स्थानांतरण है और जिले के अंदर जो स्थानांतरण है वो सभी पदोन्नति के बाद होगी। और शासन की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई है कि प्रत्येक जिले से रिपोर्ट मांगी गई है कि आपके जिले में अध्यापकों के कितने स्वीकृत पद हैं और कितने तैनात हैं और कितने पद जो है रिक्त हैं। आपको मैं यहाँ पर प्रस्तुत हुआ हूँ दोस्तों सिर्फ एक जिले की रिपोर्ट लेकर के। अगर आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए तो आपको खुद ही जो है क्लियर हो जाएगा कि स्वीकृत पदों के सापेक्ष 50% से भी कम अध्यापकों से लिया जा रहा 100% अध्यापकों का कार्य। बानगी के लिए सिर्फ एक जिले की रिपोर्ट मैं आपको लेकर के आया हूँ। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पदोन्नति प्रक्रिया आगे बढ़ी और पदोन्नति हुई तो बहुत सारे बैच के अध्यापकों को इसमें मौका मिल सकता है, क्योंकि जितने स्वीकृत पद हैं उसके सापेक्ष 50% से ज़्यादा जो है पद खाली है, क्योंकि बहुत दिनों से पदोन्नति नहीं हुई है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं सिर्फ एक जिले की रिपोर्ट, आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं। यही रिपोर्ट मांगी गई है पूरे उत्तर प्रदेश में शासन की तरफ से कि आप अपने जिले की रिपोर्ट दीजिए कि आपके जिले में अध्यापकों के, चाहे वो जो है जूनियर के प्रधानाध्यापक हों या जूनियर के सहायक अध्यापक हों, प्राइमरी के प्रधानाध्यापक हों या प्राइमरी के सहायक अध्यापक हों, कितने स्वीकृत पद हैं और कितने अध्यापक उस पद पर आसीन हैं और कितने प्रतिशत वहाँ पर सीटें खाली हैं, कितने जो है पदोन्नति हो सकती है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए इस रिपोर्ट को जो है। इस रिपोर्ट को देख करके आप पूरे उत्तर प्रदेश की हकीकत को समझ जाएंगे। तो आइए दोस्तों हम प्रस्तुत करते हैं अपनी एक जिले की रिपोर्ट, आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है हमारे उत्तर प्रदेश में, कितने अध्यापक हैं, कितने पद खाली हैं। उसके बाद भी ऐसा कहा जाता है जो है कि अध्यापक कार्य नहीं करते, अर्थात जो है जहां पर 100 अध्यापक होने चाहिए वहां 50 अध्यापकों से 100 अध्यापकों का कार्य लिया जा रहा है, उसके बाद भी जो है ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो आइए हम प्रस्तुत करते हैं अपनी रिपोर्ट को। हाँ जी दोस्तों, आप इस समय देख पा रहे हैं जो है ये रिपोर्ट किंग्समैन ईहब यूट्यूब चैनल पर। आप यहां पर देखिए सिर्फ एक जिले की रिपोर्ट मैं आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। आपको बताने चल रहा हूं कि इस जिले में अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद अभी तक जो है मार्च 2023 तक रिक्त हैं, कितने पदों पर पदोन्नति हो सकती है, कितना अच्छा अवसर है अध्यापकों के लिए, उसके बाद भी जो है सारी प्रक्रिया में इतना ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है, देरी की जा रही है। देखिए ये पत्र है, प्रेषक है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय सिद्धार्थनगर का, सेवा में शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ। शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ से जी आख्या मांगी गई थी कि आपके जिले में आप जो है इस विवरण में फीड कीजिए कि आपके जिले में स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है, कार्यरत पदों की संख्या कितनी है और मार्च 2023 तक रिक्त पदों की संख्या कितनी है। तो कमोबेश यही हालत पूरे उत्तर प्रदेश की है। आप देख सकते हैं कि यह जो है जो यहाँ पर आख्या प्रस्तुत की गई है, यह आख्या 11 जनवरी 2023 को प्रस्तुत की गई है। विषय है परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मार्च 2023 तक रिक्त प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक को सम्मिलित करते हुए स्वीकृत कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण के संबंध में सूचना का प्रेषण। महोदय, उपर्युक्त विषय अपने पत्र पत्रांक ये दिनांक 3/1/2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मार्च 2023 तक रिक्त प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक को सम्मिलित करते हुए स्वीकृत कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, जो निर्धारित प्रारूप पर निम्नवत हैं। अब दोस्तों यहीं पर देखिए, यहाँ इस आंकड़े को देख करके आपके होश उड़ जाएंगे। आप खुद ही यहाँ पर देख लीजिए, क्रम संख्या 1 पर है पद का नाम है प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, अर्थात प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापकों के इस जिले में कितने स्वीकृत पद हैं, 1924, और कार्यरत पदों की संख्या कितनी है, मात्र 849, यानी कि 50% से भी कम, बाकी सब इंचार्ज से काम लिया जा रहा है। तो मार्च 2023 तक रिक्त पदों की संख्या 1081। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लगभग इस जिले में 60% प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापकों के पद रिक्त है, जिस पर प्रमोशन से जो है भरे जाने हैं, अर्थात इस जिले में जो सहायक अध्यापक हैं प्राथमिक के, उनके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। दूसरा आप देखिए, प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत पदों की संख्या यहाँ पर 743 है। बापरे, 743 में कार्यरत पदों की संख्या मात्र 92, अर्थात इस पूरे जिले में जो है प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय सिर्फ 92 हैं
और कुल पद हैं 743, यानी कि यहाँ पर टोटल खाली है 653 पद। तो अर्थात यहाँ पर जूनियर के जो सहायक अध्यापक है उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है पदोन्नति से पद भरे जाने के लिए, क्योंकि यहाँ तो भारी मात्रा में, मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मुश्किल से जो है आप मान के चलिए कि बहुत थोड़े से, यानी कि कहने का मतलब ये है कि लगभग 10-15% ही जो है यहाँ पर सीटें भरी गई हैं, बाकी सब खाली चल रहे हैं। 743 में से 92, आप सोचिए कितना होता है, 653 पद खाली हैं। 653 पदों पर यहाँ पर जो है जो जूनियर के सहायक अध्यापक हैं उनकी पदोन्नति होनी है। फिर तीसरा देखेंगे आप सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय। सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में 7516 सीटें हैं, स्वीकृत पद हैं, और उसमें से कार्यरत पदों की संख्या मात्र 3675, यानी मार्च 2023 तक रिक्त पद हैं 3683, अर्थात 3683 पद खाली हैं। इस पर जो है सहायक अध्यापकों की नियुक्ति होनी है। तो जो लोग बेसिक के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि इस जिले में 3683 पद खाली हैं जिस पर जो है नियुक्ति होनी बाकी है। सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, अब सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय को देख लीजिए, यहाँ पर 2443 पद स्वीकृत हैं और भरे हैं कितने, मात्र 1134, और खाली कितने हैं 50% से ज़्यादा, अर्थात 1314 पद खाली हैं। तो दोस्तों यही कमोबेश पूरे उत्तर प्रदेश की हालत है, अर्थात जो प्राथमिक का सहायक है उसकी पदोन्नति के लिए सीधा सा यहाँ अर्थ निकलता है कि इसके लिए दो अपॉर्चुनिटी है इस जिले में। 1314 पद जो है वो सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक के हैं और 1081 पद जो है वो प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय के हैं। दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो दोस्तों लगभग 1450 जो है सीटें होती हैं, अर्थात इस जिले में प्राथमिक के जो सहायक अध्यापक है लगभग 1450 लोगों का जो है यहाँ पर प्रमोशन होना है। तो दोस्तों अगर पदोन्नति हुई तो निश्चित तौर पर बहुत सारे बैचेस के बहुत सारे अध्यापकों को फायदा मिल सकता है। तो आप इस रिपोर्ट को देख करके एक अंदाजा लगा सकते हैं कि पदोन्नति प्रक्रिया कुछ शीघ्र जो है करवाया जाए और इसे जितना जल्दी हो सके पदोन्नति होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी सीटें खाली हैं अगर उन जगहों पर पदोन्नति हो जाती है तो प्राथमिक का जो सहायक का पद है वो खाली हो जाएगा और नए लोगों की वहां पर नियुक्तियां हो पाएंगी। तो अब यहां पर देखिए लिखा है नीचे दोस्तों, अस्तु सूची आके आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है भौदी देवेंद्र कुमार पांडे जी, जिला विशेष अधिकारी सिद्धार्थ नगर। दोस्तों इस एक जिले की जो है आंकड़े को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कमोबेश पूरे उत्तर प्रदेश की क्या हालत है। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।